पहले वाले वीडियो में हमने आपको रेट ऑफ रिएक्शन क्या ये समझाया था। आज हम जो बताने जा रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को दर्शाया जाता है। ये हम यहां दो तरीके बताएंगे जिसकी सहायता से आप समझ पाएंगे किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो हम पहले बात करेंगे रिएक्टेंस और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के संदर्भ में हम किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं। जी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करें चाहे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की बात करें, उस रूप में हम किसी अभिक्रिया के रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया वेग को कैसे दर्शाते हैं उसके बारे में आप ध्यान से देखिए। इन रेस्पेक्ट ऑफ टू रिएक्टेंस और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, मतलब अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता के संदर्भ में हम अभिक्रिया वेग लिखेंगे। सपोज एज रिएक्टेंट पीज प्रोडक्ट, एक रिएक्शन, इस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखें। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस डी अपॉन डी टी बराबर प्लस डी पी अपॉन डी टी। चाहे रिएक्टेंट के रूप में लिखें किसी अभिक्रिया का वेग या प्रोडक्ट के रूप में, दोनों की सांद्रता के संदर्भ में हम अभिक्रिया वेग लिख सकते हैं, लिखेंगे। किस प्रकार से देख लीजिए, यहां जो माइनस का चिन्ह लगाया है इसका मतलब है रिएक्टेंट की सांद्रता समय के साथ साथ घटती है, इसलिए हमने यहां माइनस का चिन्ह लगाया। यहां जो हमने प्लस का चिन्ह लगाया है इसका मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है, इंक्रीज होती है, इसलिए यहां प्लस और माइनस चिन्ह का ये अर्थ। यदि हम रिएक्टेंट के संदर्भ में अभिक्रिया वेग लिखेंगे इस अभिक्रिया, तो रिएक्टेंट के संदर्भ में अभिक्रिया वेग ये होगा। यदि इसी अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की सांद्रता के संदर्भ में लिखेंगे तो इसका अभिक्रिया वेग यह होगा। क्लियर। अब एक अन्य अभिक्रिया पर ध्यान दीजिए, सिंपल सी है, ज्यादा हार्ड नहीं। ए प्लस बी प्रोडक्ट है सी प्लस डी। तो हम अभिकारक ए के संदर्भ में यदि अभिक्रिया वेग लिखें तो क्या आएगा, माइनस डी अपॉन डी टी। यदि रिएक्टेंट बी के संदर्भ में इसकी सांद्रता के संदर्भ में अभिक्रिया वेग लिखेंगे तो माइनस डी बी अपॉन डी टी। यदि प्रोडक्ट के सांद्रता के संबंध में अभिक्रिया वेग लिखें तो सी के लिए क्या आएगा, प्लस डी सी अपॉन डी टी। और यदि डी के संदर्भ में लिखें प्रोडक्ट टी की सांद्रता के संदर्भ में तो प्लस डी डी अपॉन डी टी। किसी प्रकार से अभिक्रिया वेग को दर्शाया जा सकता है, ये ए रिएक्टेंट के संदर्भ में, ये बी रिएक्टेंट संदर्भ में, ये प्रोडक्ट सी के संदर्भ में और ये डी के संदर्भ। इस प्रकार से हम किसी अभिक्रिया वेग को लिखते हैं, दर्शाते हैं। एक अन्य अभिक्रिया पर ध्यान दीजिए जिसमें कोफिशियंट दिया हुआ हो 2a प्लस बी सी प्लस डी। रिएक्टेंट्स ए के संदर्भ में लिखेंगे तो माइनस एक बटे दो, इसका क्या कर देंगे हम, जो कॉफिशियंट दिया हुआ है, जो अंक दिए हुए हैं उसको हम एक बटे दो लिख देंगे। कुछ तीन देते तो एक बटे तीन लिख देंगे, माइनस एक बटे दो डी अपॉन डी टी। बी के संदर्भ में लिखेंगे माइनस डी बी अपॉन डी टी। सी प्रोडक्ट के संदर्भ में लिखेंगे प्लस डी से अपॉन डी टी और डी के संदर्भ लिखेंगे प्लस डी अपॉन डी। अब आप एग्जांपल आप खुद करके देखिए,
ये है अमोनिया का निर्माण, N2+3H2 बराबर 2NH3, ये अमोनिया बनाने की विधि है। ये रिएक्शन है, इस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन यदि लिखें तो ध्यान दीजिए, N2 नाइट्रोजन के संदर्भ में इसकी -dN2/dt, अब यह हाइड्रोजन की सांद्रता के संदर्भ में लिखेंगे तो यह 3 है कोएफिशिएंट, तो यह 1/3 -1/3 dH2/dt, यहां जो उत्पाद है अमोनिया इसमें कोएफिशिएंट 2 है तो यहां लिख देंगे +1/2 डी अमोनिया अपॉन डीटी। आप इस तरह किसी का लिख सकते हो, अब मान लीजिए यहां 1/3 है, 3 लिख दें तो क्या आ जाएगा इसका, यहां इसका रेट कैसे लिखेंगे 1/3 लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए यहां 2 है तो यहां +1/2 इसको हम बटा से ही ले आएंगे 1/2 या 1/3। इस तरह से कोई भी अभिक्रिया हो उसको हम अभिक्रिया वेग प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की सांद्रता के संदर्भ में किस प्रकार से आसानी से दर्शा सकते हैं। एक दूसरा रूप और है अभिक्रिया वेग को दर्शाने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को, सभी किताबों में देखा होगा आपने अभिक्रिया वेग को क्या लिखते हैं, dx/dt इस फॉर्म में लिखते हैं। जब भी अभिक्रिया वेग लिखते हैं तो dx/dt लिखते हैं। ये कैसे आया, कैसे निकल के आया dx/dt, इसको देखिए। मान लीजिए कोई अभिकारक ए है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता ए, छोटा ए, उस समय उत्पाद शून्य होगा। टी समय पश्चात अभिकारक ए की सांद्रता कितनी रह जाएगी, a-x, और उत्पाद बनेगा x। पुनः सुन लीजिए, मान लीजिए कोई अभिकारक ए जिसकी प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कंसंट्रेशन इज ए मोल पर लीटर, टी आफ्टर टी समय इट्स एक्स मोल डीकंपोज एंड प्रोड्यूस एक्स मोल प्रोडक्ट, देन द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए विल बी a-x, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन x। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे रिएक्टेंट के संदर्भ में -dA/dt, क्लियर। ए के स्थान पर कंसंट्रेशन डीटी समय में कितनी है इसकी, a-x, ध्यान दीजिए -dA/x, ध्यान दीजिए डीटी। अब यदि इसको खोलेंगे -dA/dt, भाई इसको खोलेंगे तो dA/dt +dx/dt यही आएगा, क्योंकि a निश्चित है, कांस्टेंट है सांद्रता, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा, शून्य होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा, जीरो, तो इट इज जीरो। Then the rate of the reaction dx/dt। इस प्रकार से आप हर जगह देखेंगे तो अभिक्रिया वेग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं dx/dt, इस रूप में लिखते हैं सभी किताबों सब जगह dx/dt, ये इस तरह से dx/dt है, क्योंकि a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो, तो वी कैन राइट द dx/dt द रेट। तो इस रूप में हम अभिक्रिया वेग को लिखते हैं, कोई नहीं समझाएगा, ध्यान दीजिए कितना अच्छा समझा रखा है, किस तरह से किसी अभिक्रिया वेग को दर्शाते हैं ये भी हमने समझा दिया, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन या विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वी कैन एक्सप्रेस द रेट ऑफ द एनी रिएक्शन। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए, ये नीट के लिए, जेई के लिए, 12वीं के लिए और कॉलेज के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, ये पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।